बिहार विधानसभा के अंदर शराब की बोतल मिलने के बाद सियासत काफ़ी गर्मा गई है और हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के चर्चित विधायक गोपाल मंडल जी है। गोपाल मंडल जी, क्या कहिएगा, आज विधानसभा के परिषद के अंदर शराब की बोतलें मिल रही है, मुख्यमंत्री कहते हैं शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन यहाँ बोतलें कैसे आ गई? देखिए, मुख्यमंत्री तो निश्चित रूप से बिहार के अंदर जितना दारू का ठेके थे सब बंद कर दिया, अब चोरी छुपे लोग सब लाता है। जब से फिर विचार विमर्श हुआ उसके बाद तो नीतीश कुमार गर्म है, अफसर लोग भी गर्म है, तो दारू हमको लगता है नहीं के बराबर आ रहा है, पता हम लोग भी करते हैं। अब गांव ग्राम में जो भी बनता था दारू उरू महुआ वगैरह सब, अच्छा, वो भी बंद हो चुका है। अच्छा, आप काफ़ी बेबाकी से प्रशासन के खिलाफ भी बोलते हैं जब पुलिस संलिप्त पाई जाती है इस शराब के कांड में, आज जो हुआ है इसके पीछे क्या लगता है, कौन है? क्योंकि विधानसभा के अंदर तो आम आदमी परिंदा तक पर नहीं मार सकता, हम लोग भी आते हैं, आप लोग भी आते हैं, काफ़ी चेकिंग होती है, आखिर ये सब कैसे हो रहा है फिर? देखिए, ये नीतीश कुमार के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के जो विरोधी होंगे वही लाए होंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि राजद के लोगों ने ये कर दिया, मंगवाया होगा किसी के माध्यम से, क्या ज़रूरत है, उन्हीं को पता चला कहाँ है दारू का बोतल, क्या है नहीं है, वही दौड़ के गए, हम लोगों को पता चलता तब ना, उन्हीं को पता चला वही उठाए, तो निश्चित रूप से साजिश के रूप ऐसा बोतल आया। इस पर जांच होनी चाहिए, उस जांच होनी चाहिए, जांच तो करेंगे, इसमें दो मत नहीं है। अच्छा, ये कानून के तहत ये भी देखा जा रहा है कि जहाँ पर भी शराब मिलती है उसको सीज किया जाता है, आप लोग क्या चाहते हैं, इस जगह को सीज किया जाए? नहीं नहीं, सीजे महत कहाँ विधानसभा के अंदर है, उसको कहाँ सीज करके ले जाएगा, ये तो खाली बोतल कोई रख दिया, सीज तो किया ही जाता है। क्योंकि आपके मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने कह दिया है कि ये तो जो एरिया है वो विधानसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आता है, तो इस पर कार्रवाई आखिर करेगा कौन? करेगा विधानसभा। क्या चाहते हैं आप, कौन कार्रवाई करे इस पर? नहीं नहीं, कार्रवाई तो मान लीजिए ये तो जांच पड़ताल करेगा ही, आखिर विधानसभा के अंदर कैसे आया ये निश्चित करेंगे। साफ तौर से जेडीयू के विधायक है, काफ़ी चर्चित विधायक है गोपाल मंडल, जिन्होंने कहा है कि इन्होंने भी माना है कि विपक्ष की ये साजिश हो सकती है और इस पर जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी इस पर कड़ी नाराजगी जताई है और अब इस पर देखना है कि आगे जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। कैमरामैन हीरा के साथ रमन राय, पटना।